चलिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपका आया था गेट 2019 इसी में फोर रून में ग्राफ का आया था। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बट इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट, और टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा आप डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब DI। चलिए आप यहाँ पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ बोली गई थी वो पॉपुलेशन 2001 में और 2011 में सेम है। समझने के लिए मान लीजिए पॉपुलेशन 2001 में है 100, और समझने के लिए मान लीजिए 2011 में है पॉपुलेशन 100। ठीक है भाई, तो 100 पॉपुलेशन का मतलब कुछ ऐसा है कि 2001 में 100 में से 60% मैन, तो कुल मिला के 60% 100 का 40 वेमेन मतलब फीमेल्स, तो 40 हो गए। सेम पॉपुलेशन तो 50 मेल हो गए, 50 फीमेल हो गए। अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2001 में इलिटरेट्स का परसेंटेज टोटल फीमेल्स थी 40 का 60%, मतलब समझ रहे मेरी बात, ये रहा 40 का 60%, ये ऐसा तो कितना हो गया भाई, 24 फीमेल्स हो गए इलिटरेट आउट ऑफ 40, 24 हो गए इलिटरेट। सिमिलरली यहाँ पे कितने वेमेन है, 50 यहाँ पे मैन है, तो 50 वेमेन में देखो आप 50 फीमेल, इसका 40% मतलब कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, देखिए परसेंटेज में, तो यहाँ पे 20 फीमेल हो गए जो इलिटरेट हो गए। ठीक है, मैन में भी देखें 60 मैन का 50% मतलब 30 मैन हो गए, और यहाँ पे हैं 50 मैन का 40%, तो कितना होगा 20 मैन हो गए। तो अगर हम चेक करना चाहें कि कितने लिटरेट्स थे और कितने इलिटरेट्स थे, ऐसे ही समझने के लिए आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिएगा 2001 में फीमेल्स में कितने इलिटरेट थे, 24, मेन में कितने थे, 30। ठीक है भाई, चलिए अलग अलग करके लिखता हूँ, बढ़िया क्लियर होगा। 24 प्लस 30 मतलब 54 हुआ ना, और टोटल पॉपुलेशन कितनी 100 की, तो लिटरेट्स कितने हुए, 100 माइनस 54, 46 लोग लिटरेट हो गए। ठीक है भाई, 2011 में इलिटरेट्स में देख लेते हैं, 20 मेन है और यहाँ पे फीमेल कितने हैं, 20 प्लस 20 दैट इज 40। यहाँ पे भी आपके कितने परसेंट, 40% किस चीज़ के, 50 के, और यहाँ पर भी आपके मेन में 50 के 40%। ठीक बात है भाई, तो यहाँ पे टोटल इलिटरेट्स कितने होगा 2011 में, ये होगा 20 प्लस 20 दैट इज 40। टोटल आबादी कितनी, 100 में से 40 इलिटरेट थे, तो बचे कितने, 60 हो गए लिटरेट। तो यही पूछा गया एक्चुअली क्या होता है, DI में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो लिटरेट जो है 46 से 60 हो गए, तो ये थी इनिशियल वैल्यू और ये थी फाइनल वैल्यू। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, अच्छा समझ आएगा आपको, 60 माइनस 46 अपॉन 46 इंटू 100, विच इज 14/46, तो ये 7/23, 4.54, 34 इंटू 7, 30% के आसपास, 34 ये आंसर इज द करेक्ट आंसर, 30.43%। अच्छा क्वेश्चन था, इट वॉज नाइस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से लेवल ऑफ डिफिकल्टी थी मॉडरेट, गेट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो ये मैंने 10 के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आपके ईसी के फोर नून सेशन के। जैसे जैसे मेरे पास और क्वेश्चन आएंगे मैं बाकी क्वेश्चन डिस्कस, ये सेशन अपन फिनिश करते हैं यहाँ पे, फिर से मिलते हैं, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।